मैं तो सहमत हूँ, तमाम छः जो विधायक हैं बीएसपी के थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि राज्य के हित के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट रहे, इसलिए उन्होंने कदम उठाया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हर राज्य के लिए कि हम लोग चुनाव जीत के आते हैं, पहली सोच ही होनी चाहिए कि स्टेबल गवर्नमेंट कैसे रहे और राज्य प्रगति कैसे करे, कैसे विकास करे। इतने जो फैसले कोई करते हैं तो वो सोच समझ के करते हैं। छह विधायकों ने एक राय होकर के फैसला किया है, तो हमें इस बात की खुशी है कि उनकी इतनी बड़ी सोच रही कि राज्य में स्टेबल गवर्नमेंट रहे और हम सब मिलकर के राज्य विकास में भागीदार बने। ये बात है, दिया होगा, क्योंकि भाजपा का तो धंधा यही है। वो हमारी कर्नाटका के अंदर गवर्नमेंट तोड़ दी, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, आप देख रहे हो कि किस रूप में उन्होंने बड़े रूप में हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार तोड़ दी हमारी। गोवा के अंदर क्या हुआ, तेलंगाना में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म कर रहे लोग उस स्थिति में चल रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाजपा ने संपन्न से किया होगा तो अवश्य किया होगा, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने समझदारी का काम किया कि ये कांग्रेस की सरकार जो सुशासन दे रही है, संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेह प्रशासन हम देना चाहते हैं सबके सहयोग से, उसमें वो हमारे भागीदार बने, हमें बात खुशी है। मायावती जी ने जो कहा है, मैं समझता हूँ कि उनका ऐसा रिएक्शन होना स्वाभाविक है, परंतु ये भी उनको सोचना चाहिए कि जब उनकी पार्टी सरकार तो है नहीं, ना बनने की संभावना है, और अगर विधायकों ने यहाँ की स्थिति देखी राजस्थान की और क्षेत्र के लोगों की भावनाएं देखी कि हमें काम करवाने हैं, विकास करवाना है, और सरकार के साथ जुड़ के ही करवा सकते हैं और सरकार भी स्टेबल रहनी चाहिए, ये सोच करके उन्होंने फैसला किया। हमने कोई दबाव नहीं दिया उनके ऊपर, उसके बावजूद भी फैसला होना ये स्वाभाविक फैसला, तो मायावती जी को समझना पड़ेगा कि ये कोई सरकार में बैठे हुए लोगों ने कोई मैनेज नहीं किया है, कोई प्रलोभन नहीं दिया है, और ये हमारे प्रदेश की खूबी है, हमने कभी हॉस्टेडिंग नहीं करी लाइफ के अंदर। कोई भी पहले भी हम लोग सरकार में थे, तब भी बीएसपी के 6 लोग ज्वाइन किए थे, आज तक इतिहास में हमने कभी किसी को प्रलोभन नहीं दिया है, कम बातें किया, और यही हमारे विधायक है दूसरे राज्य में होते तो मैं समझता हूँ कि बड़ी रूप में हॉस्टेडिंग होती, कोई कल्पना नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता। जैसे आज वो मध्य प्रदेश को सरकार को तोड़ने के लिए 15-15, 20-20 करोड़ रुपये, 25 करोड़ रुपये ऑफर कर रहे हैं, जो हम सुनते हैं तो आश्चर्य होता है ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास में। हमारे यहाँ 1 रुपये का सौदा नहीं होता है, दिल से साथ देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी खूबी है। तो मायावती जी को समझना पड़ेगा, ये कोई हॉस्टेडिंग तो ही नहीं है, ये बात है। सरकार एक अच्छा प्रयास कर रही है प्राइवेट सेक्टर में, और मायावती जी को जब कभी अलायंस हुआ है देश के अंदर सब पार्टियों के साथ में, तो हम तो उन लोगों में हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की भावना समझते हुए हमने तो हमेशा मायावती जी के साथ खड़े मिले हैं उनको, ये वो खुद जानती है मेरे बारे में। क्या मानते हैं कि बीएसपी की जो केंद्र में कांग्रेस के साथ में खड़ी सहयोगी के तौर पर चुनाव, सहयोगी के तौर पर आने वाले 3 राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़ी मिलेगी क्या इस घटना के बाद? ये देखिए, ये तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मायावती जी कभी राज्य में सरकार कांग्रेस सहयोग से बनाई थी, मायावती जी की पार्टी के लिए कांग्रेस एक वक्त में जूनियर पार्टनर बन गई थी यूपी के अंदर, 300 सीटें मायावती जी और 125 सीटें कांग्रेस, काशीराम जी जमाना था तो हमने ये भी उनको सहयोग दिया। तो कांग्रेस ने हमेशा ये देखा कि विचारधारा हमारी नजदीक किससे हैं, चाहे सर्वधर्म संभाव की हो, लोकतंत्र की हो, उसके हिसाब से हमने उनका साथ दिया था, उस वक्त सरकार हमने बनवाई, हमने सरकार चलवाई उनकी, वो मायावती जी क्यों भूल जाती है। और ये राज्यों की स्थिति अलग होती है, उसमें मायावती जी को बड़ा दिल रखना चाहिए कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में किया तो कोई बात नहीं, ये मैं सोचता हूँ। सर, निकाय चुनाव में ये जो तमाम दिल्ली हुई जो विधेयक हुआ उसका कुछ फायदा मिल पाएगा?
देखिए ये पब्लिक के मूड पे निर्भर करता पूरा चुनाव। जिस रूप में मोदी जी ने सारे असूलों को खत्म कर दिया, कोई नियम कायदे नहीं, कोई नीति नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। मैं राष्ट्रवादी हूँ अकेला, मेरी पार्टी राष्ट्रवादी है, बाकी लोग राष्ट्रवादी नहीं है। ये मैसेज पब्लिक को इस रूप में दिया गया, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना दिया, हिंदू मुसलमान बना दिया, और जिस रूप में उन्होंने सेना के नाम से कैंपेन किया, राष्ट्रवाद के नाम पे कैंपेन किया, हिंदुत्व के नाम पे कैंपेन किया, ये तमाम बात आपके सामने है। आज कोई देश में कोई वर्ग उनसे खुश नहीं है मन के अंदर, पर डर के मारे, भय के मारे सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। और मीडिया भी उसी श्रेणी में आता है, आपका मीडिया भी उसी श्रेणी में आता है, सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। लेकिन रवीश कुमार है या कुछ और चंद लोग हैं जो लिखते थे क्विंट में या आपके वायर में या ऑनलाइन पे, उनकी हिम्मत है वो लिखते हैं। तो ये जो स्थिति बनी देश के अंदर, ये देश की स्थिति चिंताजनक स्थिति है, इसको आपको हमको समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा, प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा और नौजवान पीढ़ी को समझना पड़ेगा। आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा उनको। पर एक बार मौका आता है, ऐसा कई बार जिंदगी के अंदर माहौल बन जाता है, आज उसी माहौल में ये देश जी रहा है और सच्चाई सामने आएगी तो मालूम पड़ जाएगा आपको सबको। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस अपने असूलों पर कायम है, उसी रूप में चल रही है, राजस्थान में सरकार मजबूत बने, जो हमने वादा किया था संवेदनशील पारदर्शी जवाबदेही प्रशासन देंगे, उस दिशा में हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ये बात मैं कह रहा हूं।